हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट। तो पहले मैंने इसकी ड्राइंग ड्रॉ भी करी है। अगर आपको इसकी ड्राइंग चाहिए तो इस वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है और इस वीडियो को 1 लाख लोगों ने देखा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने किस तरीके से बताया होगा। ठीक है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेजरमेंट चाहिए तो आप इस वाली वीडियो में बने रहे एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4। सो गाइस, हमारी वॉलीबॉल कोर्ट रेडी है। आप देख पा रहे होंगे मेजरमेंट इसकी मैंने लिख दी है और इसके नाम भी, लाइंस के जितने भी नाम होते हैं वो भी मैंने लिख रखे हैं। इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे नेट की मेजरमेंट और भी बहुत सारी होती हैं। उसकी वीडियो अगर चाहिए आपको, और किसी की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, अवश्य आपका रिप्लाई दूंगा। और एक बात और, मैंने कर्ट को इतना अच्छा ड्रॉ नहीं किया है, बिकॉज मैंने सिर्फ आपको मेजरमेंट दिखाने के लिए ये ड्रॉ करा है। अगर आपको अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है तो मेरी आप पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि कर्ट को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। चलिए मैं थोड़ा आपको इसे करीब से दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर लिखा गया है सर्विस लाइन, तो ये है हमारी सर्विस लाइन जहाँ से सर्विस कराई जाती है अपोजिट टीम के लिए। और उसके ही सीधा नीचे लिखा है 9 मीटर। 9 मीटर इसकी होती है ब्रेथ और इसकी लेंथ होती है 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर लेंथ इसकी पूरे कोर्ट की और ब्रेथ रहती है इस पूरे कोर्ट की 9 मीटर। और उसके ही पास में है 6 मीटर। 6 मीटर इसकी रहती है सर्विस लाइन टू अटैक लाइन का डिस्टेंस जो रहता है इसका, वो रहता है 6 मीटर। और ये अटैक लाइन इस आधे कोर्ट को, हाफ कोर्ट को डिवाइड करती है 2 हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा जो रहता है इसका, वो रहता है बैक जोन एरिया और एक रहता है फ्रंट जोन एरिया। और उसके ही पास में है सेंटर लाइन, आपको दिख रही होगी। अटैक लाइन से सेंटर लाइन का जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है 3 मीटर। और आप जहाँ पर देख पा रहे होंगे पोल, जहाँ पर मैंने पोल को ड्रॉ किया है, पोल किसके लिए रहते हैं? नेट को लगाने के लिए पोल्स खड़े किए जाते हैं। पोल्स का और इस नेट, इस क्या बोलते हैं इसको, कर्ट का डिस्टेंस जो रहता है वो कितना रहता है, आपको देख पा रहा होगा 1 मीटर का डिस्टेंस रहता है पोल टू नेट। और इसके बाद क्या रहता है हमारा, फ्री जोन एरिया। फ्री जोन एरिया, फ्री जोन एरिया ये है, और बैक जोन एरिया आ गया एक दो, और फ्रंट जोन एरिया, ये 3 जोन होते हैं। उसके बाद जहाँ पर भी पोल शो किया गया है, और ये है साइड लाइन। साइड लाइन तो आपको पता ही होगा। तो बस इतना सा रहता है हमारा इस कर्ट में। और इसके बाद भी हमारा बहुत सा है, जैसे नेट का मेजरमेंट और भी बहुत सारे होते हैं इसमें, लेकिन उनको दिखाने के लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती जितना कि कर्ट और नेट को दिखाने की होती है। अगर नेट नेट बनाना आपको नहीं आता है तो मैं आपको सिखाऊंगा। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लेना, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूंगा और इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। When you need my voice.